नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार राइट और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा के सदर में एक्सरे मशीन मैकेनिक जितेंद्र की हत्या 25,000 रुपए का तगादा करने पर उसकी महिला मित्र रिंकी ने पति राजेश के साथ मिलकर की थी। दंपति के दो भांजे भी घटना में शामिल थे। पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस का कहना है मैकेनिक पति पत्नी के बीच विवाद की वजह बन गया था। वो एक तरफ उधार में दी अपनी रकम मांग रहा था तो दूसरी तरफ महिला मित्र को अपने पास बुला रहा था। इस पर दोनों ने बहाने से बुलाकर दुपट्टे से गला दबाने के बाद सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। नगला बेरी साल मलपुरा निवासी एक्सरे मशीन के मैकेनिक जितेंद्र का शव बृहस्पतिवार सुबह रोहता नहर स्थित एक खेत में पड़ा मिला। उनके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई। परिजन ने घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को शांत किया था। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि जितेंद्र घर से स्कूटर लेकर गया, इसे उसने सेवला जाट स्थित अपने ससुराल में खड़ा कर दिया। यहां से वो कार लेकर निकल गया। खेत में शव पड़ा मिला था। घटना के खुलासे के लिए एसीपी सदर डॉक्टर सुकन्या शर्मा के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इसके बाद उखरा सदर निवासी राजेश और उसकी पत्नी रिंकी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत एक शव मिला था, जो जिसके सर पे कुछ इंजरी थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम इंजरी निकल के तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिए। इसकी तफ्तीश थाना सदर पुलिस और एस डी सर्विलांस नगर टीम के द्वारा शुरू कर दी गई। घटना के इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि उक्त मृतक के संबंध एक महिला से थे और उस महिला ने अपने पति के साथ में और दो अन्य पति के दो अन्य भांजे थे, ये चार व्यक्तियों ने मिलकर रात घटना की रात को युवक को बुलाया था और वहाँ पर साड़ी की चुन्नी से उसका गला घोट के और पत्थर से सर पर प्रहार करके सुनियोजित रूप से इस युवक की हत्या कर दी और उसके बाद इसके शव को नहीं छोड़ के ये सभी भाग और बहुत ही अल्प अवधि में थाना सदर टीम और सभी संविधान सहार टीम ने पति पत्नी दोनों की गिरफ्तारी की और आला पत्र बरामद भी किया है। इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अनुरक्षा में दिया जा रहा है। अन्य अभियुक्त जो उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई करना सरकार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए समाचार राइट। नमस्कार।